मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल दो और बायकॉट करो लोगों को। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं चाहती हायर सेकेंडरी स्कूल बनना, तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़े दुश्मन है इंद्रवाल के, बुलाए मुगल मैदान के, ठाकराई के और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाकों में तरक्की हो। जो अपोजिशन पार्टी है, मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं? मैं तनवीर बाबू में बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात है। मैं यूज़ पर्सन जी। आपने लिखा कि अर्जेंट है कुछ? जी जी, इसलिए फोन किया। किसलिए? मैंने कहा आपको छात्रों का कोई प्रोग्राम है कल का? आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज का जो मुद्दा है हमारा वो है किश्तवाड़ का और किश्तवाड़ की सियासत का, और कहीं ना कहीं आज जो एक गर्माहट देखने को मिल रही है एनसी वर्सेस कांग्रेस में, और वहाँ के जो कांग्रेस के नेता हैं शबीर लोन जी, उनके द्वारा जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एनसी के सीनियर नेता तनवीर हुसैन बाबूज़ादा पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है तनवीर हुसैन बाबूज़ादा साहब। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर तनवीर साहब, क्या पूरा वाकया है जिस तरह से शबीर साहब ने आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात जो है आवाम से कही है कि तनवीर हुसैन बाबूज़ादा को किश्तवाड़ से ही निकाल दिया जाए, तो ऐसा क्या कर दिया आपने जिससे वो इतना खफा हैं आपसे? देखो जी, आपको पता है कि कांग्रेस जमात जो है वो कन्फ्यूज जमात है, ये शिविर लोन उससे ज़्यादा कन्फ्यूज है। एक सरपंच, मामूली सरपंच, एक गाँव का सरपंच इस वक्त इतनी बात कर रहा है जैसे कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी के ख्वाब देख रहा है। एक इलाके में उसने दो दिन पहले एक झूठ फैलाया ऑडियो क्लिप के थ्रू, लोगों को गुमराह करने के लिए वो ऑडियो उसने वायरल की कि डायरेक्टर एजुकेशन जो है बाई ईयर छात्रों में जो लैंड करेगी, यहाँ के अवाम सरपंचों को भी उसने ऑडियो में कहा कि सरपंच भी आ जाएं, मेंबर भी आ जाएं, लोग भी आ जाएं, तो आप छात्रों में गैदरिंग करेंगे तो हम मांग करेंगे हमें हायर सेकेंडरी चाहिए। जी कहाँ चाहिए आपको हायर सेकेंडरी? आप लोगों को ऑडियो के थ्रू बोलोगे? वो झूठ है। वो हमने जब बात की, हमने भी चाहा शायद डायरेक्टर वहाँ पे आ जाए, हम भी लोगों को आगाह करेंगे वहाँ पे जाओ, तो हमने क्या किया, हमने इस डायरेक्टर मैडम से बात की, मैंने खुद बात की, मैंने डायरेक्टर साहिबा से पूछा, मैंने कहा जनाब आपने कल छात्रों का दौरा होगा आपका, आपने जाना है कल छात्रों, उसने सब मना कर दिया। वो ऑडियो मेरे पास है, उसमें लिखा, उसमें बताया गया मैडम के द्वारा कि मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है, मैंने वहाँ पर नहीं जाना है। तो इसके माध्यम से जब हमने वो ऑडियो मैंने वायरल की, मैंने लोगों को ये पैगाम पहुंचाया कि यार क्योंकि हमारे लोग जो है वहाँ के दूर दराज लोग जो है गरीब तबके के लोग हैं, कहाँ उनके पास उतना खर्चा उतना पैसा है, वो वहाँ से 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी से आके वो छात्रों में पहुँचें और वहाँ पे खजल करने के लिए इन्होंने जो ऑडियो वायरल की, लोग आवाम के साथ जो धोखा इन्होंने किया, इनको तो बख्शा नहीं जाएगा। तनवीर साहब, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूँगा, ये जो शबीर लोन है ये सरपंच हैं, इनकी वाइफ डीडीसी वहाँ से जीती हैं? हाँ, ये जो है शबीर लोन जो है ये सिगदी B2 का सरपंच है जी, ये विलेज सिगदी पड़ता है, और जो इसकी वाइफ है वो अभी जो कांग्रेस ने कैंडिडेट चुनी वहाँ ब्लॉक मुगल मैदान के 10-12 पंचायतों में मुश्तमिल है ये ब्लॉक, तो वहाँ से वो चेयरमैन जीती है। हमने आज तक नहीं देखा कि उसने कोई आवाज़ कहीं पे निकाली, यहाँ की जैसे शिविर लोन ये कहता है कि 5 पंचायतों को या 10 पंचायतों को उधर बुला रहा है। हमें यही मांग करता हूँ मैं इस वक्त आपके माध्यम से, अगर हमारा DDC कैंडिडेट है, जीता हुआ है, उसने अल्फाज क्यों नहीं निकाले, उसने इस सरपंच पे एक्शन क्यों नहीं लिया? मतलब क्योंकि जो आप ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो ऑडियो जो है वायरल किया उससे जो है लोगों को मिसलीड करने की कोशिश की, और आपने ये जानने की कोशिश की कि डायरेक्टर एजुकेशन वहाँ पे आ रही हैं वाकई में या नहीं आ रही हैं, आपने भी वो ऑडियो जो है वो वायरल किया? मैंने वायरल किया, मैंने लोगों को आगाह किया कि क्योंकि मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो जो उनके द्वारा शबीर लोन के द्वारा जो ऑडियो वायरल किया गया वो पहले हम अपनी जनता को सुना दें, उसके बाद में फिर आपका भी सुनाएंगे। बिल्कुल जनाब, मैं आपको बताऊंगा, ऑडियो इस पे है, आप इसको देख लीजिए ऑडियो में क्या कहता है ये सरपंच जो वहाँ का है, आप ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं शबीर अहमद लोन, पंचायत डटपेट, पंचायत 2000A, पंचायत 2000B और पंचायत तागूट की आवाम से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, जो हमने कल प्रोग्राम रखा था डायरेक्टर मैडम को मिलने के लिए, वो संगमबती के बदले हमें हम छात्रों जाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टर मैडम जो है हेलीकॉप्टर से छात्रों आ रही डायरेक्ट। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो हायर सेकेंडरी डटपेट का मसला है और तागूत का मसला है और उसके अलावा भी जो आपके कुछ मसाइल है एजुकेशन के बारे में, आप वो तमाम लोग सरपंच हजरात, मेंबर हजरात और तमाम लोग वहाँ पे आके वो मसले को हम डायरेक्टर मैडम के सामने रख के
और हल कराएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम आदाब। ये इनके द्वारा जो एक मैसेज डाला गया, वायरल किया गया और लोगों को कहने का मिसलीड किया गया, अब जब आपने डायरेक्टर मैडम से बात की तो उनका क्या कहना था वो थोड़ा दिखाएं। मैडम ने साफ ही मना कर दिया कि मैं वहाँ पे नहीं आने वाली। मैम कैसे हो? ठीक है, मैं ठीक हूँ। वहाँ पे कोई हायर सेक्रेटरी नहीं है कहीं पे, तो वो आपको बदनाम करने के लिए वो आएंगे यहाँ पे तो हम जमा हो जाएंगे, इसलिए आपको पुलिस आपको नहीं, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। अब कहा मैडम ने कि मैं आर्मी वालों के साथ मिलके वहाँ कर रहे हैं कुछ। अच्छा, उनका प्रोग्राम था नहीं, ये आर्मी वालों ने एक सद्भावना के तहत वहाँ पे प्रोग्राम रखा छात्रों में कि जो दूर दराज के इलाकों के बच्चे जो हैं उनको हौसला अफजाई करने के लिए आर्मी काम करती रही, आज तक करती है, बहुत काम किया आर्मी ने, डिफेंस ने लोगों के लिए बहुत भलाइयाँ की आज तक। अब उनने सोचा कि ये जो इलाका हमारे इलाका जात जो हैं, मैं मुबारक करता हूँ वहाँ के कमांडेंट जो इनके हैं आर्मी के, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज वहाँ पे प्रोग्राम किया कि यहाँ के बच्चों को थोड़ा आर्मी के थ्रू भी कुछ मदद मिले ताकि वो आगे बढ़ें, ये गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे। लेकिन वहाँ पे बीच में एक जो लोगों ने चुना सरपंच, वो लोगों को 12-10 पंचायतों को बुलाना चाहता है वहाँ पे कि आप यहाँ पे जी जमा हो जाओ, डायरेक्टर एजुकेशन आ रहा है। ये कौन सा अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है, मैं इस पर अफसोस करता हूँ और इसको लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि इतना झूठ, इतना फरेब जो उसने हमारे इलाकों के लोगों के साथ कहा, आपको आवाम जवाब देगी इस बात का। तनवीर साहब, आज शिविर लोन के द्वारा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यही ऑडियो जो है एक स्किप करके जो है चलाई गई और आप पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनको किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए या ऐसे नेताओं को यहाँ से बाहर निकाल जाए। हालांकि उन्होंने पूरी क्लिप जो जिस तरह से आपने यहाँ पे सुनाई और लोगों तक ये पहुँची कि मैडम ने मना किया कि हम नहीं वहाँ पे जा रहे हैं, मतलब मेरा वहाँ पे टूर नहीं है, हालांकि CEO साहब जो है उनका था प्रोग्राम, आर्मी प्रोग्राम था, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखो जी, जो उसने आज जो उसने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहीं पे वहाँ, अब मुझे पता नहीं किस जगह की है लेकिन वो आ गई है वीडियो, मैंने भी देखी, उसमें ये कहता है कि NC वालों ने, यार NC वाली वो जमात है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हर तबके के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है और ये आवाम आज भी देखती है वो कैसे इंसान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसी तंजीम है जो हर मुद्दे पे खड़ी रहती है। यही मुद्दा जो इसने आज फिर दोबारा इसको दोहराया, इसके लिए मैं आपके माध्यम से ये मैसेज फिर से देना चाहता हूँ, जो वहाँ पे इन्होंने गदारी, जो गंदा एक डटी पॉलिटिक्स शुरू की, इसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं। जो आज वो कहता है कि ऐसे लोगों को यहाँ से बाहर निकाला जाए, कैसे लोगों को, मतलब कैसे लोगों को, जैसा ये है कि अपने लिए क्यों नहीं बोलेगा कि मैं बाहर निकल जाऊं, खुद बोलता मैं सरपंच जी छोड़ दूं, अरे तू छोड़ हमें क्या उसके साथ, मैं जी DDC चेयरमैन को रिज़ाइन दिलाऊं, तू कर, हमें उससे कोई वास्ता नहीं। लेकिन लोगों को आपने जो गुमराही की, लोगों से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और लोग आपको ये जवाब देंगे। वो हेलीकॉप्टर देखेंगे, वो हेलीकॉप्टर उतरा नहीं छात्रों में, मैडम डायरेक्टर उससे उतरी नहीं कहीं, और वहाँ पे प्रोग्राम कुछ था और आपने लोगों को गुमराह किया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वो बोल रहा है वो हमारी ऑडियो जो है स्किप करके थोड़ी सी वो सुनाता है लोगों को, देखो जी ये क्या इन्होंने बाधा डाली, डायरेक्टर मैम यहाँ पे आई नहीं। हाँ, तो अपनी वीडियो भी पूरी तो दिखा लोगों को, वो सच दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि झूठा कौन है, झूठा तू है, तूने लोगों को उल्टा बताया कि मैं जी वहाँ पे मैडम आ रही है, आप सारे वहाँ पे आ जाओ, तो ये गलत बात है। लोगों, हमारे लोग जो है गरीब आवाम, इनको पिसा इन्होंने 20-22 साल से कांग्रेस की जमात ने इनको पिसा इंद्रवाल में, अब जब लोग बाहर आ गए तो इनको अब चिंगारियाँ उठना शुरू होगी। तनवीर साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा वो वीडियो भी दिखाएं, जिन लोगों ने नहीं भी देखा है उनको सच और झूठ के बीच का जो फ़र्क है वो पता चल जाए और आम जनता के बीच में मैसेज जाए कि किस तरह से पॉलिटिकल जो लीडरान है किस तरह से गुमराह करते हैं आम लोगों को, आम जनता को। देखो जी, एक वीडियो में और दिखाता हूँ, ये भी उसी को जवाब दिया वहाँ के किसी जनाब, आप मेरी बात सुनेंगे थोड़ी बहुत? जी सर, क्यों नहीं,
शिबिर लोन साहब दावे कर रहे हैं मैंने 2 साल में 40 लाख से ऊपर अपनी पंचायत में खर्चा किया है, मेरी फंड आई है 40 लाख। वो 40 लाख फिर कहाँ लगे? वो सर कहीं नहीं लगे, हम उसको उसको विजिलेंस से डालेंगे, उसको दिखाएंगे वो 40 लाख कहाँ पर लगाए उसने जी। क्योंकि वो मैं उसको बोल रहा हूँ सर, मैंने तो इसको शॉर्टकट में यही जवाब है सर, इसको बोले अब इसको हमने बोला था 15 पाइपें दे दो, ये बोलने लगा 15 पाइपों के लिए आप 10-15 आदमी मेरे साथ चलो तो तब मैं बीस साहब से बात करूंगा जी जी। मतलब ये तो मैंने बोला मलबार और जबगुल जो रास्ता जा रहा है वो क्या उनसे मतलब 25-30 साल से वो रास्ता बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खस्ता हाल है, किसी वक्त भी आज ही उस वक्त मतलब उसको किसी वक्त भी जानी और माली का नुकसान हो सकेगा जनाब। अगर आप ग्राउंड लेवल पर आओगे पूरी पंचायत की और पूरी हमारी जो वार्ड की सकी हालत देखोगे और मलवार की हालत देखोगे जनाब। आप मुझे बताइए आपकी क्या क्या डिमांडे हैं वहाँ की, क्या क्या मुश्किलात है आपकी वहाँ पे हमारी सारे। वो थोड़ा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था उसका वो भी थोड़ा सा बता दें ताकि जिन लोगों ने नहीं भी देखा है वो भी उसका जो है देख सकें। ये जो इसने आज जो लोन जो किया हुआ जो आज किया आज भी इसने ये किया, मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ। ये है जी यहाँ पे देखो किस भाषा का वो प्रयोग कर रहा है, लोगों को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा कैमरे वाली साइड कर लेना जब चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप यहां पे आए, इस इलाके की जो खबर है आप लोगों तक पहुंचाए। पहली बात मैं आपको ये हम कंडम करते हैं जो भी वीडियो ऑडियो जो डायरेक्टर मैडम और कहीं सियासतदानों के बीच में जो लीक हुई है ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरी जो ऑडियो है वो देखिए। मैंने लोगों से रिक्वेस्ट की यहाँ के हिंदू यहाँ के मुसलमान यहाँ की हर पार्टियों के कि हमारे स्कूल जो है कहीं सालों से जो है अपग्रेड नहीं हुए। आप देखिए सिकदी की 5 पंचायतें 7,000 वोटर 14,000 लोग आज भी यहाँ पे हमारी जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई छोड़ देती है क्योंकि हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं बन रहा है। डटपेट में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, तागुद में नहीं है, आप देखिए स्टाफ की कमी है, फिफ्थ स्कूल मिडिल नहीं बन रहा है, मिडिल हाई स्कूल नहीं बन रहा है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी नहीं बन रहा है। ऐसे देखिए तो जो बिल्डिंग बनाई गई थी वो लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जिन्होंने लैंड ओनर ने यहाँ जमीन दी थी उनका जो कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। स्टाफ की जो कमी है हमने रिक्वेस्ट करनी थी, हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं करना और ऐसी कोई वीडियो नहीं है। एज ए पी आर आई ऑफ द मुगल मैदान एंड माई वाइफ एज ए डी डी सी काउंसिलर ऑफ ब्लॉक मुगल मैदान हमने रिक्वेस्ट की है आपके पास हमारी वीडियो, हम दोनों को वीडियो सुनाएंगे आपको। ऐसी कोई बात नहीं, हमने कोई प्रोवोक करने की कोशिश नहीं की, हमने रिक्वेस्ट की, मैंने रिक्वेस्ट की है हाथ जोड़ के सभी हिंदू सभी मुसलमान और सभी पार्टियों के लोगों के इस टाइम मौका है, इस टाइम अपनी आप फरियाद रख सकते। मैंने वार्ड यूज किया फरियाद ऐसी कोई वहाँ पे आर्मी वाले आ रहे हैं तो वो किसके पास कर रहे हैं बात नहीं है। आप देखिए उसके बाद जो अपोजिशन की पार्टी है। मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, कौन बोल रहे हैं? मैं तकदीर बाबू से बात कर रहा हूँ। ये मेरी बात है यूज़ जी। आपने लिखा कि अर्जेंट है कुछ? जी जी इसलिए फोन किया। किसलिए? मैंने कहा आपको छात्रों का कोई प्रोग्राम है कल का? हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज जी, वहाँ पे कांग्रेस के लोग कुछ हैं वहाँ पे आपका नाम बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आई एम पर्सनली थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ द इंद्रवाल एरिया ऑल पार्टीज ऑल हिंदू ऑल मुस्लिम की तरफ से इंडियन आर्मी को और स्कूल एजुकेशन को जो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए। हमारे बच्चे गरीब इलाकों से तरफ रखते हैं, इनको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होता है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन कोलैबोरेशन के थ्रू यहाँ की पढ़ाई के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, हम मुबारकबाद देते हैं। लेकिन ये लोग हमारे इलाकों के दुश्मन है, मैं लोगों से अपील करता हूँ ऐसे लोगों को यहाँ से नकारो। अगर हम मांग करें हायर सेकेंडरी स्कूल की, अगर हम मांग करें मिडिल स्कूल की, अगर हम मांग करें टीचर की, अगर हम मांग करें कमल सचिव की, ये कोई जदोजहद नहीं है, ये सब इलाकों के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों को ऐसे लोगों को यहाँ से निकाल दो और बायकॉट करो इन लोगों को। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं चाहती हायर सेकेंडरी स्कूल बनना तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़े दुश्मन इंद्रवाल के बुला मुगल मैदान के ठाकरे के और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के। हम लोग चाहते हैं कि हमारे इलाकों में तरक्की हो, हमें लोगों ने बनाया बनाया। चलें जी, ये जो है वीडियो भी आम जनता जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की भी देखेगी और सारी दुनिया देखेगी और जो ऑडियो दोनों जो आपने बातचीत की है डायरेक्टर मैडम के साथ वो भी सबने देखा सुना और जो उनके द्वारा शिविर लोन के द्वारा जो एक
ऑडियो मैसेज जो वायरल किया गया था वो भी देखा सुना लोगों ने, तो अब जिस तरह की वर्डिंग उन्होंने इस्तेमाल की है कि इनको निकाल दिया जाए या एनसी जो नहीं चाहती है कि डेवलपमेंट हो एरिया की, तो उसका क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जनाब ये कौन होता है निकालने वाला, इनको लोग निकाल देंगे, जो झूठ साबित हो गया। अब तो इनको मिर्ची लग गई, जब हमने लोगों के पास पैगाम पहुंचाया कि ये जी झूठ वहाँ पे चलो, मैंने आपको पहले ही बताया कि 22 सालों से हमारे लोग जो पिसते गए वहाँ पे, कोई इनको मुकाबला करने वाला नहीं था क्योंकि ये चलते रहे और इनके जैसे लोगों को बोलना वैसे उन्होंने हाँ में हाँ मिलाना। इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि ये फिर से गलत करने पे उतर आए, ये जमातें जो पिछले 22 साल से जो हमारी इंद्रवाल में लोगों को पिसती थी, इस वक्त भी आप देखोगे घोटाले पे घोटाला हम निकाल रहे हैं, इनको हम सामने देंगे। नरेगा का घोटाला, इतने घोटाले हैं वहाँ पे, अभी और भी कुछ घोटाले निकलने वाले हैं जो हमारे पास लिस्ट आई है, हम ये आपके माध्यम से प्रूफ कर देंगे। तो लेकिन इस बात की हम सख्त मजम्मत करते हैं कि हमारे मुगल मैदान ब्लॉक का जो DDC चेयरमैन है वो आवाज़ नहीं निकालती है, और अपने ये सरपंच के ऊपर उसने एक्शन लेना चाहिए क्योंकि उसने जो गलत भाषा लोगों तक पहुंचाई कि मुगल मैदान, क्योंकि ये सरपंच जो है एक इलाके का है, बिल्कुल इसकी मैसेज जो है वो सब पंचायतों में DDC कैंडिडेट है, उसने पंचायतों के लिए अगर उस ऐलान करना था वो DDC कैंडिडेट करे। एक सरपंच कैसे करता है ठाकराई की बात या टागूत की बात या लोहीदार की बात या छात्रों की बात या मुगल मैदान की बात, उसको बात करनी है तो वो अपनी पंचायत की करे। जब एक वीडियो आपने देखा, ऑडियो देखा कि एक वहाँ का आदमी उसको बोल रहा है कि यहाँ पे मेरे काम नहीं हो रहे हैं, एक्स मेंबर है वहाँ का, वो बोलते काम ही नहीं हो रहे, 10-15 पाइपें चाहिए मुझे, मैंने 10 बार बोला 15 पाइपें चाहिए, जो लाइन यहाँ से जा रही है वो खस्ता है, 15 पाइप, वो बोलता 15 आदमी साथ आओ जी एक्शन के पास चलेंगे, वो किस लिए फिर सरपंच है वहाँ पे, जो अपने वार्ड में काम नहीं कर सकता वो इतने पंचायतों का काम करे, अफसोस है इस बात का। तो इसके लिए ये जो लोगों में ये गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहा है, मैं कहता हूँ लोगों से इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, तब तक लोग इसको माफ़ नहीं करेंगे। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और ये थे हमारे साथ NC के सीनियर नेता तनवीर हुसैन बाबजादा जी, जिनके द्वारा जो दोनों ऑडियो क्लिप्स जो वायरल हुई थी वो हमने आपके सामने रखी, और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वो भी हमने आपके सामने रखी, और जनता है सब जानती है कौन सच्चा है कौन झूठा है, सब मालूम है जनता को। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं आरफ़ आज़म डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।